हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे हम लोग बच्चा कीटन या बच्चा बेबी जो होता है बिल्ली का, उन लोगों को कैसे पॉटी शिशु का आदत ख़राब होने से बचाए ताकि वो लोग इधर उधर पॉटी शिशु ना करें। सो मैं घर के एक कोने में इन लोगों के लिए बना दी हूँ पॉटी शिशु का जगह। तो मैं फ्लोर पे पेपर यूज़ कर रही ताकि ये लोग अगर सुसु पॉटी कर भी देगा तो मैं इजीली वो उसको उठा के फेंक पाऊँ। तो मैं इसमें अभी ली हूँ डस्टबिन पेपर। लेने का एक कारण है कि जो बॉक्स मैं यूज़ कर रही वो गंदा ना हो, क्योंकि पेपर का बॉक्स होता है, सो वो इजीली मैं रिमूव कर पाऊँ, और ताकि मुझे ज़्यादा मतलब होता ना कि ज़्यादा क्लीन करने में दिक्कत ना हो। सो मैं आप लोग देख सकते हो कि इधर मैं प्लास्टिक पेपर को अच्छे से खोल ली, अच्छे से उसको बना ली, और मैं यूज़ कर ली बहुत छोटू सा एक बक्सा। यू कैन सी कि इन लोगों के लिए ठीक है, एक एक करके जाएगा, पॉटी शिशु इजीली हो जाएगा। तो मैं इसमें पेपर से अच्छे से ढक के रख देती हूँ। सो इससे क्या होगा ना, इन लोगों का आदत बना रहेगा और ये लोग इधर उधर पॉटी शिशु नहीं करेगा। नहीं तो छोटा बच्चा बिल्ली ये लोग इधर उधर कर देता है, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कहाँ पे करना है। तो इसी वजह से ये लोग को आदत हो जाएगा कि कहाँ पे शिशु पॉटी करना है। सो मैं ख़रीद के लाई हूँ बाज़ार से ये वाला गैर लीटर। इसका प्राइस पड़ा है 450। सो ये सस्ते में था, रूल्स का मुझे मिल रहा था जो थोड़ा काफ़ी महंगा था, 650 का करीब था। सो ये इससे क्या होगा ना, इसका एक स्मेल होता है ताकि जो पॉटी शिशु ये लोग करे तो उसका स्मेल बाहर ना आए। और ये बहुत इजीली आप लोग रिमूव कर पाओगे, क्योंकि पॉटी शिशु जहाँ पे करेगा वो जगह हार्ड हो जाएगा और घर में इतना सा भी बदबू नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छा बात है कि कैट लीटर यूज़ करो। तो उसका मम्मी अभी देख रही है, उसका मम्मी देख रही कि ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसका मम्मी को भी हम लोग ऐसे ही बचपन में ऐसे ही उसको पॉटी शिशु के लिए जगह बना दिए थे, अभी इन लोगों के लिए भी बना रहे। अभी मैं पुचकू के लिए खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि उसका जो जार है वो खाली हो चुका है। और आप लोग देख सकते हो कि मैं कौन सा ब्रांड यूज़ कर रही। हम लोग प्योर पेड, विस्कास और मियाओ तीनों ही यूज़ करते हैं, बट अल्टरनेट करके, ताकि उसको डिफरेंट टेस्ट मिलता रहे। सो आप लोग देख सकते हो मियाओ का, ये हम लोग अभी भी किटन वाला ही खिलाते हैं, क्योंकि एडल्ट वाला सबको हज़म नहीं होता, कोई कोई उल्टी भी कर देता है। तो ऐसे ही कंटेनर में हम लोग रख देते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा दे पाए। और इसको सिर्फ दो टाइम ही हम लोग खिलाते हैं, जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम, और बाद बाकी टाइम हम लोग चिकन रहता है तो चिकन, या फिश रहता है तो फिश और मछली, फिश और राइस हम लोग खिलाते हैं। उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि टाइम टू टाइम इन लोगों को डिवॉर्म करवाए, नहीं तो इन लोगों का हेल्थ बहुत ही बिगड़ जाता है। और मैं इन लोगों को दे रही पानी। हाँ, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी इन लोगों को अगर पानी पिलाना आदत नहीं बनाए तो कभी इन लोग पानी नहीं पिएगा, जिससे इस लोगों का लीवर किडनी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है बाद में जाके। सो मैं अभी से इन लोगों को पिलाती हूँ, ये लोग पीता भी है थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए छोटू सा एक कप दी हूँ। अभी ये लोग खेल रहा, और ये बच्चा बहुत ही प्यारा हुआ है, एकदम मेरे पुचकू के जैसा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा येलो बिल्ली कर रहा पॉटी, और अभी ये हीरो हम लोगों को डेमो देगा कैसे पॉटी शिशु करता है। तो देखिए, ये लोग अभी इधर ही करेगा, और इससे एक आदत बहुत अच्छा होगा कि ये लोग इधर उधर नहीं करता है। तो जो लोग भी छोटा बिल्ली लेना मतलब एडोप्ट कर रहे हो, वो लोग के लिए बोल देती हूँ कि आप लोग कैट लीटर या फिर बालू इस्तेमाल करें, उन लोगों को दिखाए कि ये तुम्हारा बाथरूम है, तो वो लोग उधर ही करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।